हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राज है। स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम एक ऐसी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जो अभी से पहले किसी ने नहीं बनाई है। तो उसमें हम नए कलरों का प्रयोग करेंगे, नए स्टाइल का प्रयोग करेंगे और एक अलग जोन की पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और पेंटिंग बनाने का प्रोसेस को। तो इस पेपर को चारों तरफ से हमने टेप लगा लिया है। टेप लगाने का कारण ये है कि पेपर पर जब हम पेंटिंग करें तो एग्जैक्ट पॉइंट पर हो, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि ये भी एक सेंटर पॉइंट हो सकता है किसी पेंटिंग को देखने का। किसी भी चित्र को खूबसूरती से देखना और वो चित्र अपने साइज में हो, कि वो ज़्यादा ऊपर ना हो, कभी ऊपर ना भागे या नीचे ना भागे, इसलिए ज़रूरत होती है उसमें कि एक पॉइंट डिसाइड कर लेना चाहिए। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे। उस पर सबसे पहले हम A1 स्टोन कलर लगा देंगे तो वो जो एक डेप्थ है, हम एक क्रिएटिव तरीके से बना रहे हैं पेंटिंग, इसलिए हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड पे पूरा कलर नहीं दिया है, एक स्मॉल छोटे से साइज पे बैकग्राउंड पे कलर कर दिया है। अब सेकेंड बारी आती है चित्र को आउटर ड्रॉ करने की, मतलब अब जो हमको जिस पे हमारा फोकस रहेगा उसको हम आउटर ड्रॉ करेंगे। आउटर ड्रॉ में हम उसकी आकृति को बनाएंगे और पेंटिंग्स को इस तरीके से हमें कलर फिल करना है कि वो कलर्स देखने में पेंटिंग को बिगाड़े नहीं और उसको सुंदर और एक इफेक्टिबल आर्ट के रूप में प्रेजेंट करें। तो इस तरीके से अब हमने उसके ड्रेसेस को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। आप चाहें तो और न्यू क्रिएटिव तरीके से काम कर सकते हैं, मगर जो माइंड में आपके तुरंत थॉट है उस प्रोस पे पेंटिंग को बनाया गया है कि माइंड में आया और हमने उसको ड्रॉ किया। चित्र देखने में जब देख के बनाते हैं तो शायद ऊपर या नीचे हो सकता है, मगर जब आप अपनी कल्पना से चित्र को बनाते हैं तो वो चित्र देखने में शुरुआत में तो लग सकता है कि वो अच्छा नहीं बना है, मगर अगर आप थॉट प्रोसेस को सोचेंगे तो धीमे से आपको पता चलेगा कि चित्र की जो वैल्यू है वो क्या है। अब इस तरीके से हम उसके फेस को ड्रॉ करेंगे, आइस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो एक मॉडर्न आर्ट है, इसलिए वाटर कलर से मॉडर्न आर्ट बना रहे हैं, इसलिए उसका थोड़ा प्रोसेस, इसलिए ये पेंटिंग देखने में थोड़ी अजीब तो लग सकती है, पर अधिकतर वाटर कलर और क्या कहते हैं, और अधिकतर जब भी चित्र बनाए जाते हैं तो या ऑयल पे मॉडर्न आर्ट होती है या फिर ऑयल ये एक्रेलिक पे मॉडर्न आर्ट होती है, मगर वाटर कलर में आपको बहुत ही कम चित्र देखने को मिलेंगे, इसलिए ये चित्र थोड़ा सा डेप्थ के मामले में अभी कमज़ोर। अब चित्र में हाथ के सेट को हम निकालेंगे जो चित्र में एक भाव प्रदान करेगा और चित्र में एक गहराई लाएगा, क्योंकि ये चित्र एक स्त्री की वेदना मतलब दुख को प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए अब हमको जितने भी थॉट प्रोसेस हैं उस माइंड में उसी स्त्री के इर्द गिर्द रख के ही उसको बनाने पड़ेंगे। और हाथ को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मतलब एक छापा के रूप में बना रहे हैं कि वो देखने में थोड़ा सा अलग फीलिंग दे। इस तरीके से एक चित्र जो बिना सोचा गया मतलब ऑन द स्पॉट माइंड में आया और इसको मैंने ड्रॉ किया। तो आई होप आपको ये चित्र मेरा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे इस चित्र के बारे में बताइएगा कि ये चित्र का जो प्रोसेस है आपको कैसा लगा। और ऐसे ही और भी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।